दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपने इस चैनल मोर एंड मोर चैनल एमडी तक। दोस्तों आप हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ अच्छा कंटेंट, कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखाएं। दोस्तों आज फिर हम लोग वही कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास नाइन्थ के हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग आपके सामने क्वेश्चन पेपर लाए हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है, आशा करता हूँ आप लोगों को इसका प्रयोग करने से आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आत्म इच्छा बढ़ेगी इस पेपर देने के लिए, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होगी। दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, और आपको अगला किस सब्जेक्ट पे पेपर चाहिए हमें प्लीज़ बता दीजिए। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे सामने चार क्वेश्चन हैं, चार खंडों में, एक दो तीन चार, चार खंड में क्वेश्चन पेपर है। पहला, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये गद्यांश दिया गया है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों देखिए ये गद्यांश था, ये भी गद्यांश है, ये कुछ कविता के रूप में गद्यांश दिया गया है, वो हमारी अलग कविता के रूप में गद्यांश, देख लीजिए। दोस्तों आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आपको हम पिक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हम आपकी पिक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग हमें कमेंट में हम रिप्लाई भी कर देंगे। ये देखिए नोट कर लीजिए, ये देखिए जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जैसा कि हमारा आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए वही क्वेश्चन फिर आ रहा है। और फिर दोस्तों अब खंड गया, गया खंड का हमारा रहता है व्यवहारिक व्याकरण। इसमें से हमें दिखाया गया है, हमें छोटे मोटे जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमको इसमें उत्तर देने पड़ेंगे। जैसे कि इसकी हम आपको टिप्स बता देते हैं, इस व्यवहारिक ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 नंबर का आता है। उसमें से आपको इसमें सिर्फ अलंकार पहचानने रहते हैं, उपसर्ग पहचानने रहते हैं, प्रत्यय पहचानने रहते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए आप लोग नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद खंड गाय आ गया, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें से आपको काव्यांश दिया गया, अब आप काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह काव्यांश बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो पूरा उत्तर आपको एक बार में पता चल जाएगा। इसमें से काव्यांश गद्यांश आपको इन दो में से आपको मिल सकता है। काव्यांश के बाद ये देखिए इसका क्वेश्चन आ गया है, हे वही जो अभी गद्यांश काव्यांश पढ़े हैं वही क्वेश्चन है। ये देखिए। उसके बाद हमारा आ गया है खंड घ। खंड घ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसमें से आपको लेखन करना है। दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। कहने का मतलब इसमें दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है आपको। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली की मेट्रो रेल और हमारे त्यौहार हमारा गौरव। इन दो में से आप कोई भी एक पे आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे बनता हो। दोस्तों इन सब चीज़ों में मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा बनता हो वही आप लिखिए। उसके बाद फिर आ गया है पत्र लेखन, आप पत्र लेखन लिखिए या तो ना अथवा में, दोनों आप दोस्तों जो मन हो आप लिख लीजिए। उसके बाद इसमें से एक लिखा गया है संवाद, संवाद दिया गया है, आप इसमें से अब दो संवाद लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल 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 ना भूलें। और अगर आपको दूसरे किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों धन्यवाद।